नमस्कार, मैं हूं पवन और अब वक्त हो चला है एनआईएन का स्पेशल प्रोग्राम नॉनस्टॉप 25 की तरफ रुख करने का। तो करते हैं शुरुआत दिन की 25 बड़ी खबरें नॉनस्टॉप 25 में नॉनस्टॉप अंदाज के साथ। मोदी सरकार में देश का हुआ बुरा हाल, 40 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ी गिरावट, -23.9% तक घटी भारतीय अर्थव्यवस्था। WHO ने दी भयंकर चेतावनी, बताया दुनिया के 90% देशों का हेल्थ सिस्टम अब चरमराने के करीब आ चुका है। आगे सितंबर महीने के लिए LPG रसोई गैस सिलेंडर के नए दामों में लोगों को मिली थोड़ी राहत। आज फिर बड़े पेट्रोल के दाम, दिल्ली में पिछले 17 दिनों के दौरान पेट्रोल 1.65 रुपये प्रति लीटर हो चुका है महंगा। फिर बदला मौसम का मिजाज, बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश, कहा स्कूल नहीं ले सकते ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी अतिरिक्त फीस। सतर्कता और कड़ी सुरक्षा के बीच आज शुरू हुई JEE मेन परीक्षा, विद्यार्थियों को रखना होगा कई विशेष बातों का ध्यान। संसद के मानसून सत्र की 14 सितंबर से होगी शुरुआत और 1 अक्टूबर को होगा समाप्त। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बिंदल की फेसबुक पोस्ट से गरमाई राजनीति, पार्टी और सरकार के आकलन की कही थी बात। लालू प्रसाद यादव को रिम्स डायरेक्टर के बंगले से दोबारा जेल भेजने की मांग, झारखंड हाईकोर्ट में PIR हुई दायर। गूगल ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताई महत्वपूर्ण बात, कहा गूगल पे के पास नहीं है यूजर के आधार डाटाबेस की जानकारी। बादलों के बीच फंस गया शिवराज का हेलीकॉप्टर, पायलट के सूझबूझ से बची जान, बाढ़ प्रभावित इलाकों का लेने गए थे जायजा। प्रणब दा दो बार बन सकते थे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन दोनों ही बार किसी और ने मार ली थी बाजी। रेलवे जल्द शुरू कर सकता है 100 और पैसेंजर ट्रेनें, अभी चल रही हैं सिर्फ 230 पैसेंजर ट्रेन। दिल्ली NCR में आज से हड़ताल पर रहेंगे ओला उबर चालक, किस्तों का भुगतान टालने की हो रही है मांग। राहुल गांधी ने GDP को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा दुर्भाग्यवश सरकार ने चेतावनी को किया नजरअंदाज। कांग्रेस ने लगाया आरोप, कहा जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है भाजपा। सुशांत सिंह के खिलाफ यह बिछा रही थी जाल, CBI जांच में मिला अहम सुराग। रामविलास ने बताया मुखर्जी को राष्ट्रपति बनने में राजग ने क्यों किया था समर्थन, प्रणब सर्वगुण संपन्न थे और इसी वजह से मुखर्जी को राष्ट्रपति बनने में राजग ने किया था समर्थन। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बड़े बदलाव की तैयारी, केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 1 रुपये जुर्माना भरने की सजा, लेकिन लोगों ने बनाया जमकर मजाक। हरियाणा शिक्षा विभाग के कॉलेजों में दिव्यांग छात्रों के लिए सुलभ बनाए जाएंगे UGC प्रवेश परीक्षा के नियम। डॉक्टर कफील खान मामले पर आई बड़ी अपडेट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए तुरंत रिहाई के आदेश। प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 1 रुपये जुर्माना देने की सजा, लोगों ने बनाया जमकर मजाक, किसी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा पागल तो किसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हो गया है दिमाग क्रैक। समान ज्ञान प्रतियोगिता के सहारे नई पीढ़ी को अपने काम बताएगी कांग्रेस, पुरस्कृत भी होंगे विजेता। आज के नॉनस्टॉप शो में बस इतना ही, तब तक के लिए NIN पर खबरों का सिलसिला लगातार न्यूज आ रही है, आप बने रहिए NSN इंडिया न्यूज के साथ। मेरा नाम पवन है और आप NIN के स्पेशल शो नॉनस्टॉप 25 देख रहे थे। शुभरात्रि।